कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं अंगद उपाध्याय आपका अभिनंदन करता हूँ अपने अपने ज्ञान विचार चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज जी, हाँ ये सारी इतनी सब कुछ होते हुए सब धर्म कर्म भी करते हैं, सारे जो है क्रियाकलाप भी करते हैं, और मेरा काम होते होते नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है, तो क्या कारण है? तो ऐसे कौन से लोग हैं जो चाहते हुए भी अमीर नहीं बन पाते हैं? लक्ष्मी उनके दरवाजे तक आती है, नोक करती हैं, आवाज़ देती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। आखिर क्या कारण होता है? क्या है ऐसा कारण जिसके चलते लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? देखो, हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, हर कोई धनवान बनना चाहता है, सारे यत्न करता है, सारे साधन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अमीर बनना नहीं चाहेगा? लेकिन वो क्या कारण है जिसके चलते लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सर्वप्रथम अपने आप को देखो। जिस समय आप अपने आप को देखना, अपने आप को साक्षी भाव से देखना शुरू करोगे, आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, पहले बुराइयों को ध्यान से गौर करो कि हमारे अंदर ऐसी क्या बुराई है, ऐसी क्या कुरीति है, ऐसी क्या हैबिट है जिसके चलते इतनी सारी जो है परेशानियां। लेकिन कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है ना। कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा, दीपक टेबल पर रख दिया जाता है तो आप ध्यान से देखिएगा कि पूरे आपके कमरे में प्रकाश होगा, लेकिन उसके नीचे देखेंगे तो अंधेरा, अंधेरे की जो कालिमा जो है, लालिमा है, जो आवरण है, वो हमेशा उसके नीचे विद्यमान रहता है। इसलिए कहते हैं दीपक तले अंधेरा। तो सबसे पहले अपने आप को देखिए, अपने घर परिवार से ही शुरू कीजिए। अगर आप अपने आप को दृष्टा रूप नहीं हो सकते तो आप अपने परिवार की तरफ जाइए। देखिए, जिस घर में स्त्री प्रताड़ित होती हो, दुखी हो, अब ये मत समझ कि आप जो है घर में जाते हैं, आप मालिक है, मुख्तार हैं, जो है वरिष्ठ हैं, आपके डर से कोई अगर नहीं बोलता है तो ये बड़ी बात नहीं। औरतें कुछ लाज लिहाज से भी अपने दुख की विवेचना नहीं कर पाती हैं बड़ों से। आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी है, दुखी नहीं है। तो सर्वप्रथम आप ये ध्यान रखिए कि आपके घर के अंदर जो स्त्रियां हैं वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहें, उनको कभी तकलीफ न पहुंचाएं, लड़ाई झगड़ा कलह न करें। जिस घर में कलह होती है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है, और वो इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। हमारा शास्त्र भी कहता है, वेद कहता है, पुराण कहता है, एक श्लोक है, यत्र नारियंतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो सब प्रथम आप देखिए कि आपके घर में औरत नारी जो है बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हो। अगर नारी अप्रसन्न है, नारी का अपमान होता है जिस घर में, उस घर का वो क्या कभी अमीर नहीं बन सकता। ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। घर में आप जो है बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको सम्मान दीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका पैर छूकर कहीं भी जाते हैं तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, बेटियां जो होती हैं लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, उनका पैर स्पर्श करके तब बाहर जाइए किसी शुभ काम में या मंगलिक काम में। फिर देखिए आप, अगर जिस घर में ऐसा नहीं होता है वह आदमी अमीर कभी नहीं बन सकता। कभी भी गरीबों को देखकर हंसे नहीं, अरे यार वो ऐसा है, उनका घर ऐसा है, कभी ईर्ष्या भाव न रखें।
ये सब देने वाला ठाकुर जी, सबको भगवान देता है। उसने ऐसा प्रारब्ध किया तब तो वो बना पाया। आप उसकी निंदा मत कीजिए, करिए उसका इतना हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं तो ये हुआ, मैं इतना करता हूँ फिर भी नहीं होता है, ऐसा कभी विचार मत करिए। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, हमारा वेद कहता है, हमारा पुराण कहता है कि पर निंदा वर्जित है, कभी भी पर निंदा नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में भी वर्णित है, आदाय विहाय परहित परस निंदाम पापे रति च सुनिवार्य मनः समाधौ। तो सर्वप्रथम जो है हम टॉपिक पर आते हैं कि हम वो क्यों लोग वो अमीर नहीं बन पाते हैं, क्या कारण होता है। सारी चीज़ें होती हैं, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, सब कुछ होता है, फिर भी अमीर बनते बनते नहीं बन पाते हैं। तो अपने घर की औरतों को कभी दुखी ना होने दें, कभी भी गरीब का उपहास न करें, जीवों पर दया करें, कभी पेड़ पौधे प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से कनेक्टिविटी रखें, क्योंकि ये प्रकृति ही है जो आपको चरम पर पहुंचाने वाली है और चरम से फर्श पर भी पहुंचाने वाली है। तो प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ न करें, हमेशा अपने शरीर को स्वच्छ, यानी कि दो दिन, कुछ लोग होते हैं दो दो तीन तीन दिन स्नान नहीं करते हैं और उनके शरीर से ही बदबू आने लगती है। हम खुद भी स्नान नहीं करेंगे तो अब शरीर से बदबू आने लगती है। तो स्वच्छता हमेशा ध्यान में रखें कि हमेशा स्वच्छ वस्त्र पहने, फटा ही हो लेकिन साफ सुथरा हो, प्रेस वरुष में हो, कोई ये नहीं। उच्च विचार रखें, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अपनी सोच हमेशा ऊंची रखें, हमेशा बड़ी सोच रखें। कभी भी अपने जूते चप्पल जो बाहर पहन कर आते हैं सीधे, कोई सीधे एकदम बिल्कुल घर में घुस करके बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी कोई कोई तो ऐसे महानुभाव हैं कि जूते पहन कर ही सो जाते हैं, ऐसा कभी वो व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता। और दूसरी बात, एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली ये भी है कि कभी भी अपने बिस्तर पर जहाँ आप शयन करते हो, सुबह शाम दोपहर कभी भी किसी भी वक्त अपने बिस्तर पर कभी खाना न खाए। अपने बिस्तर पर खाना खाने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो सकता। हमेशा ऊंची सोच, उच्च विचार, दूसरों को देना। आप जो है जिस समय ये संकल्प कर लेंगे कि हमें जो कमाई है उसका हम दशांश निकाल दें, दसवां अंश निकाल दें, अगर अगर आप नहीं भी निकालते हैं तो भी वो किसी न किसी रूप से निकल जाता है, लेकिन अगर आप अपने मर्जी से निकालते हैं तो आपको एक आस्था हो जाती है, एक विश्वास हो जाता है कि मैंने किया, एक संतोष होता है। जैसे मरीज जाता है डॉक्टरी में, डॉक्टर को देखते ही मरीज का थोड़ा सा आधा सा सावधान हो जाता है, आधा रोग तो ऐसे ही बहुत बड़ा डॉक्टर है उसके नाम चर्चा से ही आधा रोग समाप्त हो जाता है, आधा रोग उसके दवा देने से। तो एक मेन चीज़ आस्था, एक विश्वास। तो इन छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके सुविचार पर लगाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमेशा आप अच्छे विचारों से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे परिवार का लालन पालन भरण पोषण सबको प्रसन्न, कभी भी जाएं जैसे छोटी बच्ची है उसको कुछ ना कुछ दे करके जाएं, या आए तो उसको उसके लिए कुछ लेकर आए, उसके हाथ पर रख दें, ये लक्ष्मी का स्वरूप होता है। कहीं भी जाएं, अगर चलो बेटी नहीं है बहू है तो बहू भी बेटी की समान होती है, बहू बहू के ही हाथ में रख दें 100-150 जो भी आपकी इच्छा हो बेटा ये ले। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे आप करके देखिए, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे चमकती, कैसे रंग लाती। लोग इन बातों को, इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।